कुछ करने का जुनून हो और वह भी मानवता के लिए, तो इंसान अपने दिल की सुनता है, भले ही दिमाग कुछ भी कहता रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के एक युवा समक्ष की, जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा और नामी गिरामी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पहले इंजीनियरिंग, फिर MBA की डिग्री की। लेकिन जब मानवता की सेवा की बात आई तो उसने लोगों का जीवन आसान करने के लिए लाखों करोड़ों का पैकेज ठुकरा कर खुद घर पर ही प्रयोगशाला बना एक से एक आविष्कार करने शुरू कर दिए हैं। समक्ष के आविष्कारों की फेहरिस्त में 2 दर्जनों आविष्कार शामिल हैं, जिनमें से कुछ का पेटेंट भी हो चुका है। चरम तक पहुँचे आविष्कारों में शामिल इनर कप, पॉपअप, पिल डिस्पेंसर, टूथब्रश आदि बारे में एक एक कर समक्ष बताते हैं कि इनर कप ओवरडोज होने के दुष्परिणामों से बचाता है और नपी तुली दवा देता है। पिल डिस्पेंसर से एक बार में एक ही गोली या कैप्सूल निकलती है और उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से बचाव होता है। पॉपअप खोज में चाइल्ड लॉक लगा है और इच्छा अनुसार सही मात्रा में दवा कैप से मुँह लगाकर पी सकते हैं। वहीं टूथब्रश बिना बैटरी के अच्छे और बेहतर सफाई दांतों की सभी कोणों से करता है। समक्ष के अनुसार उसके अनुसंधान व आविष्कारों की यात्रा जारी है और आने वाले दिनों में वह इस बारे में और भी खुलासा करेगा। इनमें मुख्यतः चमत्कारी जूता शामिल है, जो किसी भी तरह की असमतल भूमि पर पांव रखने पर भी जूता पहने व्यक्ति को दिक्कत नहीं होने देता। और दवाइयाँ अभी भी उन्हीं पैकेजिंग में आने लगी, क्योंकि जैसे हम जब शुरू किया हमने दवाइयों को बनाना, तो हमारी जो पैकेजिंग थी वो सिरप्स के लिए कुछ इस तरह की बोतल थी, हमेशा से एक पिल थी, पिल्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की जो दवाई आती थी, और इसी तरह जो हमारे पास जो पाउडर या ग्रेनुअल फॉर्म है उसके लिए एक अलग तरह की दवाई आती थी, जिससे हम दवाई को डाल के हम लोग खाया करते थे। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अब देखो, जैसे अभी अगर मैं रिसेंट ईयर की बात करूँ तो इस साल आज तक का सबसे ज़्यादा, मतलब आज की डेट में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हर घर में आ चुकी हैं। अभी एक रिसेंट जो सर्वे है वो भी यही कहता है कि घर में, अब हर घर में दवाइयाँ होती हैं, तो बच्चे क्या है वो इजीली उसको कहीं से भी उठा के खा लेते हैं। और ये जो जो दवाइयाँ, उन दवाइयों कुछ इन्वेंशंस की हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में हैं। ये इन्वेंशंस का जो सिलसिला है ये 2013 में शुरू हुआ, जब मैंने पहली बार एक प्रोडक्ट बनाया जिसे नाम दिया गया काउंट कैप, जिससे एक बार में जितनी दवाई आप लेंगे वो डायरेक्ट मेयर होती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जब इस चीज़ को और काम किया तो मैं बहुत लकी था और मुझे DSIR के साथ एक प्रोजेक्ट करने को मौका मिला, जिसके तहत मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको नाम दिया पॉपअप। वो प्रोडक्ट कुछ ये इस तरह से दिखता है। इस प्रोडक्ट का मेन क्या है कि अगर आप इसको नीचे से पुश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्केल दिख रहा होगा, तो जैसे हम इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे इसमें दवाई आ जाती है, जितनी आपको दवाई चाहिए। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे, डायरेक्ट मुँह लगाएंगे इस पर और डायरेक्ट मुंह लगा के इससे दवाई पी सकते हैं। इसमें क्या है, कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं है, इजी टू यूज़ है, कोई भी एक सिंगल हैंड हाथ से यूज़ कर सकता है, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जब देखा कि भाई कुछ सॉल्यूशंस और सिंपल होने चाहिए, क्योंकि ये फिर भी हम लोग बोलते हैं कि इसको हम पूरे मास में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ज़रूरत है ये कुरुक्षेत्र की नहीं है, ये एक पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया। इस प्रोडक्ट का नाम दिया मेयरिंग कप। मेयरिंग कप इसका नाम इसीलिए दिया कि एग्जिस्टिंग अभी जो मेयरिंग कप आ रहा था वो ये है। अगर आपने कभी भी देखा होगा तो हर दवाई के साथ इस तरह से ये ढक्कन लगा आता है, पर इसमें क्या होता है, आपको जो दवाई लेनी होती है उसमें आप इस तरह से खोलते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके हाथ कांपते हैं, नहीं चल पाते, या बच्चे भी हैं, मतलब कि एक सर्वे बताता है कि 4 में से 3 लोग इसमें दवाई सही नहीं ले पाते, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है, अब सॉल्यूशन क्या था, एक बड़े सिंपल रूल पे चला हूँ मैं शुरू से। रूल ये है कि द सिंपलर द बेटर, द सिंपलेस्ट द बेस्ट, कि मुझे हर चीज़ को इतना सिंप्लीफाइड करना है कि उसके अंदर इन्वेंशन गुम हो जाए, ठीक है ना, कि जितनी उसको सिंपल हम कर सकते हैं उतना सिंपल करना है। तो इस प्रोडक्ट का सेम मटेरियल है, सेम डाई है, उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट का क्या है कि अभी तो हम इसमें बाहर से दवाई ले रहे थे जिसमें इसमें बैक्टीरिया वायरसेस सब रह रहे थे, उसके बावजूद भी हम पूरी दुनिया में इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें एक जो नया प्रोडक्ट था वो ये जो इनर कप है, ये इसके अंदर चला जाता है। आप इसमें देख सकते हो, ये मैंने इनर मेयरिंग कप इसके बीच में डाला हुआ है। इसको हम बंद करते हैं, बंद करने के बाद अब आपने ये भी हर जगह देखा होगा दवाई पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, बट कोई नहीं करता। बट इसमें क्या है, आपको शेक करना पड़ता है। अगर आप इस तरह करके शेक करेंगे तो यू कैन सी द बबल्स, यहाँ पे जो बबल्स हैं ये नीचे कैविटी फिल हुई है, ठीक है ना।
ये कैविटी फिल हुई है, इसको हमने सीधा किया तो ये दवाई इसके अंदर है इस टाइम। अब आपको कोई एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे यहाँ पे मुंह लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा मेयरिंग कप है, ठीक है ना, इसमें हम लोग डालते हैं तो डायरेक्ट उतना ही हमारा 5 ml, ये हमारा 5 ml ही उसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका है मेन पर्पज़ कि किसी तरह की भी कंटेमिनेशन ना हो वर्ल्ड वाइड कोई भी दवाई। अब दवाइयों में सबसे इजी है इसको इंस्टॉल करना, इसको बनाना सब कुछ, ताकि ताकि इस चीज़ को पूरी दुनिया में आसानी से लाया जा सके। अब उससे अगला एग्जांपल है ये दवाई, जो हम लोग दवाई सब लोग लेते हैं, ये दवाई का क्या है कि हम ऐसे, ये हमारा प्रोसेस रहता है दवाई लेने का, या फिर अगर हम इसमें नहीं डालते तो हम इसके कप में डालते हैं। बट सही जो प्रोसेस है उसमें क्या है, हाथ नहीं लगना चाहिए, चाइल्ड लॉक होना चाहिए। हर साल 5 लाख बच्चे सिर्फ इसीलिए संक्रमित हो जाते हैं, उनको वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दवाई, मतलब जो दवाई को खा जाते हैं, उन्हें लगता है कैंडी है, जूस है, सिरप्स है, उन्हें लगता है जूस है, वो इजीली खा जाते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में क्या है, एक तो बुजुर्ग कोई भी बंदा है, यहाँ लिखा है नून नाइट है ना मॉर्निंग, तो ये क्या है, ये शिफ्ट होता है पॉइंटर, कोई ब्लाइंड है तब उसके लिए भी ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है, ऊपर लॉक है, लॉक को अगर आपको अनलॉक करना है तो आप इसको यहाँ से हाथ रख के दबाओगे तो ये अनलॉक होगा। इसको आपने उल्टा किया, घुमाया, जब आप इसको उल्टा करके घुमा रहे हैं तो इसके अंदर ये आपके पास ये यहाँ पे ये पिल आ गई, ठीक है। अब ये पिल यहाँ पे आई, अब आपको दवाई खानी है तो आप इसको डायरेक्ट खाएंगे, कहीं भी हाथ नहीं लगेगा। अभी आप देख रहे थे पहले पॉइंटर जो था हमारा, पॉइंटर शिफ्ट बीच में आ गया, नून से बीच में आ गया। अब जब मैं इस दवाई को डिस्पेंस कर दूंगा मुँह के अंदर, उसके बाद ये मेरा जो पॉइंटर है वो नाइट पे चला जाएगा, और नाइट पे जैसे ही जाएगा दोबारा लॉक हो जाएगा। तो किसी तरह भी किसी भी बच्चे के पास ये दवाई का एक्सेस नहीं होगा, बड़े लोग सिंगल हैंड से इसको आराम से दवाई को खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए दोबारा वही रूल रखा गया है, सिंपलर द बेटर, सिंपलेस्ट द बेस्ट। और इसमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। ये हमारा जो इसके अंदर का जो फंक्शनैलिटी है, ये इतनी सिंपल है कि हमने इसको 3 पार्ट्स में, कंटेनर भी इसी में है, कंटेनर को मिला के 3 पार्ट्स में हमने इसको बनाया है। और इसमें क्या है कि एक आइडियल डिस्पेंसर में जो जो फीचर होने चाहिए वो टोटल हमने फीचर्स में डाले हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये गाड़ी, जब मैं जब शुरू किया ये, जब सारा सिलसिला शुरू हुआ तो मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में, और हॉस्टल से मुझे था कि मुझे एक गाड़ी बनानी है। तो एक बड़ा सिंपल सा, अगर मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से इस लाइन में आया, मैं थापर से मैंने इंजीनियरिंग करी, वहाँ से मैंने MBA की, उससे पहले मैंने 5-6 कॉलेज भी छोड़े, सिर्फ इसीलिए कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई जगह हो जहाँ से मुझे एक एक्सीलेंस मिल सके, मैं एक एक्सीलेंट बंदा बन सकूं। बट मैं जैसे कॉलेज जाता था तो मैं बुक्स खरीदता नहीं था, मैं रजिस्टर नहीं खरीदता था, मैं क्या खरीदता था, मैं पेंचकस प्लास खरीद के कॉलेज जाता था। मेरा मानना था कि एक इंजीनियरिंग ऐसे होती है, बट जब मैंने जाके देखा इंजीनियरिंग कैसे होती है तो दैट वॉज टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग था। बट उसके बावजूद भी मुझे लगा शायद और अच्छे कॉलेज में जाऊँगा तो मुझे ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलेगा। इसके लिए मैंने 2012 में 340 रैंक लिया, 140 रैंक लिया मैंने IP के लिए नेक्स्ट ईयर, उसके बाद मैंने 10 रैंक लिया हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें, तो उसके बाद मैं थापर में आया और वहाँ से मैंने इसको कंप्लीट किया, सारे जो हमारी डिग्री है। तो मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे एक मन में एक चीज़ आई कि एक्सीडेंट्स बहुत इजीली होते हैं, क्यों हो जाते हैं। मेरा जो मेन हमेशा से रहा है कि हम सेफ्टी को सबसे ज़्यादा ध्यान, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मैं किसी को सेव करूँ, मैं किसी को बेटर बनाऊँ। तो मुझे समझ आया कि एक गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, बहुत इजी है कोलैप्स होना, क्या रीज़न है इसका। अगर मैं बोलता हूँ कि ये दो गाड़ियाँ हैं तो मेरे को ये कोलैप्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने एक गाड़ी का कॉन्सेप्ट शेप, एक कॉन्सेप्ट बॉडी डिज़ाइन की, जो कि ये गाड़ी है यहाँ पे, इसको जो नाम दिया गया कोलिजन डिफ्लेक्ट व्हीकल। इसका मेन पर्पज़ क्या था, इसका बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बहुत इजी है ऐसे क्लैप करना, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है, बट इसको हमने डायगोनली डिज़ाइन किया है। अगर इसकी मैं शेप की बात करता हूँ कि इसकी शेप एरोडायनेमिकली डिज़ाइंड है, और ये EV व्हीकल के लिए कॉन्सेप्ट रेडी किया गया था। इसका मेन पर्पस था कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, जो स्मार्ट व्हीकल है, उसको बहुत कन्वीनियंट बनाया जाए। और इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर इस तरह की गाड़ियाँ हम एक जगह बनाते हैं और चलाते हैं, तो इस तरह की गाड़ियाँ जब आपस में टकराएंगी कभी भी तो वो डिफ्लेक्ट करेंगी, कोलिजन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कॉन्सेप्ट रेडी किया गया। इसमें क्या है, हमारा बैक साइड में बैटरी रहेगी और अंदर काफ़ी स्पेस।